वन विभाग ने एनएचएम के सहयोग से, यूनिसेफ जैसी संस्थाओं के सहयोग से न केवल वैश्विक महामारी कोरोना पर प्रभावी अंकुश लगाने में सफलता प्राप्त की है, तो स्वास्थ्य संबंधी सभी कार्यक्रमों को कोरोना कालखंड में भी सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने का कार्य किया है। मैं इसके लिए स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए उन सभी स्वास्थ्य कर्मियों का, चिकित्सकों का, पैरामेडिक्स का, नर्सिंग स्टाफ का, स्वच्छता कर्मियों का और गांव-गांव तक इन सुविधाओं को पहुंचाने के लिए सहयोगी जो संस्थाएं हैं इन सब का मैं सबसे पहले हृदय से अभिनंदन करता हूं, इन सब का स्वागत करता हूं। वास्तव में ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम कोरोना के खिलाफ भी इस लड़ाई नागरिक के स्वास्थ्य से जुड़े हुए वे महत्वपूर्ण अभियान और कार्यक्रम है उन्हें भी हम उसी सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। आज प्रदेश के 29 जनपदों में जो सक्रिय क्षय रोगी खोज अभियान है उस कार्यक्रम का हम शुभारंभ कर रहे हैं। साथ साथ प्रदेश में यद्यपि टीकाकरण अभियान कोरोना काल खंड में भी चला था, लेकिन यद्यपि टीकाकरण अभियान कोरोना काल खंड में भी चला था लेकिन एक विशेष अभियान, क्योंकि हम लोगों ने जो कोरोना के दौरान जो 5 हाई रिस्क कैटेगरी तय की थी उसमें छोटे बच्चों को भी, उसमें 10 वर्ष से नीचे के बच्चों को भी रखा था। तो बहुत सारे अभिभावक अपने बच्चों को नियमित टीकाकरण के कार्यक्रम के साथ जोड़ने में विफल रहे हैं और उसी को ध्यान में रख करके कि पहले सप्ताह में 2 दिन यह अभियान चलता था और उस अभियान के साथ अब हम लोगों ने एक अतिरिक्त दिन सोमवार को भी जोड़ा है, जिससे प्रदेश के समस्त जनपदों में यह कार्यक्रम आगे बढ़ सके। इसके साथ ही बिहारी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में नवनिर्मित CNDST जो लैब है, राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम विषयक जो सामग्री है इन सब का भी आज लोकार्पण का कार्यक्रम यहाँ पे संपन्न हुआ है और प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत प्रदेश के अंदर उन गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए 5 लाख रुपए सालाना स्वास्थ्य बीमा कवर का गोल्डन कार्ड जारी करने के अभियान को भी, क्योंकि एक बड़ी आबादी अभी भी प्रदेश के अंदर ऐसी है जिन्होंने अपने गोल्डन कार्ड नहीं बनाए। इसके 2 कारण है, एक हम लोग उन लोगों तक जागरूकता के कार्यक्रम को उनके साथ नहीं जोड़ पाए, हम उनको बताने में विफल हैं कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष उन परिवारों को या जरूरतमंदों को 5 लाख रुपए सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर मिलना है और इसके लिए गोल्डन कार्ड अगर बना लेंगे तो किसी भी पैनल हॉस्पिटल में उन्हें 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध हो सकती है। या तो जागरूकता का अभाव है या प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य केंद्रों में, हमारे स्वास्थ्य चिकित्सालयों में, मेडिकल कॉलेजेस में पहले से ही निःशुल्क स्वास्थ्य की सुविधा है, इसलिए जब निःशुल्क उनको मिलना है तो वे कार्ड अपना नहीं बना पाते हैं। लेकिन मेरा अपील होगा प्रदेश के अंदर और खासतौर पर स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए जो हमारे आयुष्मान भारत में आयुष्मान मित्र बने हुए इन सब से भी कि हमें गांव गांव में इस अभियान को चलाना चाहिए। हमारा प्रयास होना चाहिए हम 100% गोल्डन कार्ड बना करके लोगों तक पहुंचाने का कार्य करें। स्वास्थ्य
स्वास्थ्य सुविधाएं हमारी निःशुल्क चल रही है, चाहे वो हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, मेडिकल कॉलेजेज हो या बड़े संस्थान, इन सब में निःशुल्क हम स्वास्थ्य सुविधाएं दे रहे हैं। लेकिन गोल्डन कार्ड की आवश्यकता उन्हें यहां भी पड़ सकती है और यहाँ के साथ साथ किसी अच्छे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में प्रदेश के बाहर भी कहीं जाते हैं तो वहां पर भी उनकी आवश्यकता उन्हें पड़ सकती है। इसलिए शासन के द्वारा, प्रधानमंत्री जी के द्वारा आयुष्मान भारत के अंदर जो एक सुविधा प्रदान की गई है 5 लाख रुपए की निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा का, इसका कार्ड बनाने में हमें किसी प्रकार की कोताही किए बगैर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहिए और इससे न केवल वह बल्कि उनका पूरा परिवार एक स्वस्थ जीवन यापन करने की स्थिति में रहेगा और उसके किसी भी बीमारी में उसके मन में भय नहीं रहेगा कि खर्चा कहां से हम लोग लेके आएंगे। इस भय से मुक्ति का भी एक अभियान हो सकता है। प्रदेश के अंदर आज जो कार्यक्रम यहां पे प्रारंभ हो रहे हैं, इस कार्यक्रम में हम लोग इस चीज को देख सकते हैं कि जो है आज गोरखपुर के बिहारी मेडिकल कॉलेज में जो चीज यहां पर आज हम लोग लोकार्पण कर रहे हैं, 6 रोगियों के बारे में जो एक नई औषधि के रूप में आज यहां पर लॉन्च की जा रही है, वह न केवल इस खतरनाक बीमारी में उन्हें सहायता उपलब्ध कराएगी बल्कि आने वाले समय में भी बहुत सारे स्थानों पर प्रधानमंत्री जी ने जो एक लक्ष्य निर्धारित किया है कि 2025 में हम भारत से ट्यूबरक्लोसिस को पूरी तरह मुक्त करेंगे। प्रदेश की हमारी माननीय राज्यपाल महोदया ने प्रदेश के अंदर टीबी रोग से ग्रसित बच्चों को गोद लेने के लिए एक अभियान चलाया है। ये अवेयरनेस का एक कार्यक्रम है और जैसा कि हम देख रहे हैं कि पूरे देश के अंदर सर्वाधिक ट्यूबरक्लोसिस से पीड़ित बच्चे उत्तर प्रदेश में हैं, तो ट्यूबरक्लोसिस से जुड़े हुए बच्चों के लिए या ट्यूबरक्लोसिस से जुड़े हुए इस रोग से जुड़े हुए किसी भी व्यक्ति के लिए जो एक दवा आई है, इस दवा को उपलब्ध कराने के साथ साथ भारत सरकार ने टीबी से ग्रसित रोगियों के लिए 500 रुपये प्रतिमाह की जो व्यवस्था की है, अगर ये कार्यक्रम हम लोग एक अभियान के रूप में चलाएंगे तो मुझे लगता है कि जागरूकता, जन सहभागिता और स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए उन सभी कर्मियों की सक्रिय सहभागिता एक साथ मिलकर के इस पूरे कार्यक्रम में सफलता प्रदान करेगी। और मेरा मानना है कि हम सब मिलकर के इस अभियान के साथ जुड़ जाएंगे तो हम 2025 के पहले ही उत्तर प्रदेश को ट्यूबरक्लोसिस से पूरी तरह मुक्त करने में हमें सफलता प्राप्त हो सकती है और इसमें हमें प्रदेश की माननीय राज्यपाल के इस अभियान के साथ जुड़ करके इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाना चाहिए। प्रदेश के अंदर शिशु मृत्यु दर ये आज भी एक हम सबके सामने चुनौती है, कहते कि पहले की तुलना में इसमें काफी परिवर्तन देखने को मिला है, लेकिन फिर भी नियमित टीकाकरण जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के महत्वाकांक्षी अभियान का एक पार्ट है जिस पर उन्होंने विशेष चिंता व्यक्त की है पूरे देश के अंदर, तो नियमित टीकाकरण कार्यक्रम के माध्यम से हम तपेदिक, गला घोटू, काली खांसी, टेटनेस, पोलियो, खसरा, रुबेला, हेपेटाइटिस बी, रोटा वायरस, मेजर्स रुबेला, जापानी इंसेफ्लाइटिस और अन्य तमाम ऐसी बीमारियों से बच्चों को, जानलेवा बीमारियों से बच्चों को बचा सकते हैं जिनके जो टीकाकरण के अभाव में जिनकी असमय मौत होती है। और मुझे लगता है कि एक राष्ट्रीय क्षति है क्योंकि जब बचपन ही बीमार हो जाएगा तो भविष्य उज्जवल और मंगल में कैसे होगा, ये प्रश्न हम सबके सामने सदैव पड़ा होता है। और मैं आज के इस अभियान के साथ आप सबसे अपील करूंगा कि हम सभी लोग मिलकर के आज के जो 3 प्रकार के विशेष अभियान प्रारंभ हैं, इन सभी स्वास्थ्य जागरूकता के साथ भी
स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण जागरूकता के कार्यक्रम के साथ भी और ट्यूबरक्लोसिस जैसी बीमारियों से बचाने के लिए भी इनकी बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है। और साथ साथ जो आयुष्मान भारत के गोल्डन कार्ड बनाने वाला विशेष अभियान है, मैं चाहूंगा स्वास्थ्य विभाग जो हमारे छोटे से गांव है, एक बड़ी संख्या ऐसी है जहां पर आज एक भी व्यक्ति ने अब तक गोल्डन कार्ड नहीं बनाए हैं, हम उन लोगों तक पहुंचे। तो आयुष्मान मित्र हम लोग बना रहे हैं, उनको उसकी जवाबदेही तय करें कि हर एक उन ग्राम पंचायतों उन गांव में कम से कम 10 ऐसे परिवारों को हम चिन्हित करके गोल्डन कार्ड उन्हें अविलंब वहां पर उपलब्ध करा दें और उन लोगों के माध्यम से फिर गांव में एक एक परिवार के साथ जोड़ने की प्रक्रिया, क्योंकि आने वाले समय में हम इसके दायरे को बढ़ाने की कार्रवाई कर रहे हैं। एसईसीसी के 2011 के डाटा के बाद हमारा प्रयास होना होगा, हम लोगों ने पिछली बार मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत प्रदेश के अंदर छूटे हुए ऐसे परिवारों को आच्छादित करने का कार्य किया था, लेकिन अभी कुछ लोग छूटे हैं, उन सभी लोगों को हम इसके साथ अगर जोड़ सकेंगे तो पूरा प्रदेश इससे आच्छादित होगा और गरीब हर परिस्थिति में कहीं भी जाकर के अपना उपचार करने के लिए स्वतंत्र हो सकता है, उसके मन में बीमारी का कोई भय नहीं होगा। और मुझे लगता है जब कोरोना के खिलाफ सफलतापूर्वक हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं तो हमें संपूर्ण स्वास्थ्य के लक्ष्य को प्राप्त करने के सामने भी सिद्धांत को आगे बढ़ाना पड़ेगा। मैं एक साथ ट्यूबरक्लोसिस के खिलाफ संपूर्ण टीकाकरण अभियान के इस कार्यक्रम को लेकर के और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत गोल्डन कार्ड वितरण के इस विशेष अभियान को लेकर के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा किए गए इस प्रयास की प्रशंसा करता हूं, विश्वास व्यक्त करता हूं कि हम लोग आने वाले समय में भी प्रत्येक नागरिक को इस अभियान के साथ जोड़ेंगे। और मैं विशेष रूप से मीडिया से अपील करूंगा कि मीडिया इन कार्यक्रमों को अपने कार्यक्रमों का एक हिस्सा इसे बना लें, कोई ट्यूबरक्लोसिस को बना लें, कोई आयुष्मान भारत और जन आरोग्य योजना के कार्यक्रमों के साथ गोल्डन कार्ड वितरण के कार्यक्रम के साथ कॉमनवेल्थ को जोड़ सकता है, कोई विशेष टीकाकरण अभियान के इस कार्यक्रम को जोड़ सकता है जो तमाम प्रकार की उन बीमारियों से बच्चों की जान को बचा सकता है, हमारी शिशु मृत्यु दर को नियंत्रित करने में जिससे सफलता प्राप्त हो सकती हो। ये कार्यक्रम पहले से चले आ रहे हैं लेकिन जागरूकता का अभाव या लोगों में स्वास्थ्य के प्रति उतनी अवेयरनेस का जो अभाव है इसके कारण हम लोग इसमें अब तक ऐसी सफलता नहीं मिल पाई थी। मुझे विश्वास है कि स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना कालखंड में जो बेहतरीन कार्य किया है ये अनुभव हमें अन्य क्षेत्रों में भी सफलता दिलाने में सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने में सफलता दिलाएगा। मैं एक बार फिर से तीनों कार्यक्रमों का आज यहाँ पर शुभारंभ करने के लिए स्वास्थ्य विभाग का ऐसे धन्यवाद देता हूँ और विश्वास व्यक्त करता हूँ कि ये सफलतापूर्वक कार्यक्रम आगे बढ़ करके न केवल 2025 तक ट्यूबरक्लोसिस से प्रदेश को मुक्ति दिलाने में बल्कि संपूर्ण टीकाकरण के माध्यम से शिशु मृत्यु दर को नेशनल एवरेज से भी बेहतर करने में और प्रदेश के अंदर हर गांव में हम लोग प्रत्येक व्यक्ति के पास आयुष्मान भारत का गोल्डन कार्ड उपलब्ध कराने में भी हमें मदद मिलेगी। इस पूरे अभियान के प्रति मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद। उत्तर प्रदेश में सघन टीबी रोगी खोज यानी एक्टिव केस फाइंडिंग अभियान शुरू हो गया है। इस अभियान का शुभारंभ किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। 10 दिन तक चलने वाले इस अभियान के दौरान घर घर जाकर टीमें लोगों की स्क्रीनिंग करेंगी और जिनमें लक्षण नजर आएंगे उनके बलगम की जांच कराई जाएगी। टीबी के अलावा दस्तक अभियान और टीकाकरण अभियान के बारे में भी यहां पर महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई इस कार्यक्रम के जरिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुभारंभ किया। आज से 29 जिलों में यह विशेष अभियान शुरू हो गया है। 10 दिन के इस अभियान में नए टीबी मरीजों की खोज होगी।